सब्सक्राइब कीजिए हमारे और आपके चैनल को इस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और साथ में ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं Redmi Note 8 Pro के बारे में। तो Redmi का जो Note 8 Pro है ये लॉन्च होने के काफ़ी करीब आ चुका है और Xiaomi यानी कि Redmi अब अपने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है और ये स्मार्टफोन है Redmi का Note 8 Pro। अभी आप लोगों को पता है कि जो Redmi का Note 7 Pro है वो इंडिया में ओपन सेल में गया है और इसका मतलब Xiaomi चाहता है और Redmi चाहता है कि जो Redmi का Note 7 जो Pro है उसका जो जितना भी स्टॉक है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, उसके बाद Redmi अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करे जो कि होगा Redmi का Note 8 Pro। तो Redmi Note 8 Pro के बारे में पिछले दिनों भी कई जानकारी निकल के सामने आई थी कि इसमें आपको क्या स्पेस मिलेगा। अभी कुछ कॉन्सेप्ट रेंडर और कुछ स्पेसिफिकेशन यहाँ पर निकल के सामने आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी कुछ बताऊँगा, ये स्मार्टफोन कब आएगा तो वही मैं आ जाएगा सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूँ। ये स्मार्टफोन आएगा लगभग सेप्टेम्बर के मंथ में। तो सितंबर के मंथ में Redmi की तरफ से आपको एक कमाल का स्मार्टफोन यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके रिगार्डिंग कुछ स्पेस निकल के सामने आई है। बताया जा रहा है कि जो Redmi का Note 8 Pro आएगा यहाँ पर आपको MediaTek का एक लेटेस्ट चिपसेट मिलेगा जो कि अभी उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है। ये बेसिकली एक गेमिंग चिपसेट है, यह है MediaTek का हेलियो P-G90T का चिपसेट। तो काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है, G90T। ये एक गेमिंग चिपसेट है और जी का मतलब शायद गेमिंग ही होगा। तो G90T वाला आपको यहाँ पर चिपसेट मिलेगा जो कि गेमिंग को काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पर हैंडल करता है। बैक साइड में आपको मिलेगा ट्रिपल कैमरा का सेटअप और उसमें से जो प्राइमरी कैमरा होगा वहाँ पर आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल का कैमरा जिसमें आपको सैमसंग का G W1 का सेंसर देखने को मिलने वाला है। और फ्रंट साइड में आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। तो जो लीक्स अभी निकल के सामने आई है मैं उसके हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको मिलेगा 4000 mAh की बैटरी और यहाँ पर शायद आपको Xiaomi की तरफ से 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिले जिस तरह से आपको लोगों को मिलता है Redmi के K20 में। K20 Pro वाला अगर वो लोग 27 वाट का सुपर सोनिक चार्ज दे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन देखते हैं कि कौन सा यहाँ पर अडेप्टर वो लोग इनबॉक्स प्रोवाइड करते हैं। सुपर एमोलेड डिस्प्ले होगा, लेकिन बताया जा रहा है कि जो Redmi का Note 8 Pro आएगा यहाँ पर आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा जो कि एक नया ट्विस्ट यहाँ पर निकल के सामने आया है। उम्मीद तो कर रहे थे कि शायद आपको पॉपअप कैमरा प्रोवाइड करे, लेकिन अब बताया जा रहा है कि आपको पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हमें आने के बाद पता चलने ही वाला है। तो बेसिकली अभी फ़ोन के बारे में कुछ जज करना ठीक नहीं होगा, अभी पूरा सितंबर आना बाकी है, पूरा अभी अगस्त बाकी है, उसके बाद देखते हैं कि सितंबर के मंथ में Xiaomi क्या यहाँ पर कमाल कर पाता है। प्राइसिंग तो मेरे ख्याल से काफ़ी एग्रेसिव रखी गई क्योंकि Xiaomi का जो Redmi का जो नोट सीरीज है उसकी प्राइसिंग हमेशा से काफ़ी एग्रेसिव यहाँ पर Xiaomi रखते आया है। उम्मीद करते हैं कि इस फ़ोन की भी प्राइसिंग यहाँ पर काफ़ी सही रखे। क्या आप लोग Xiaomi के फ़ैन हैं? क्या आप लोगों को Redmi का स्मार्टफोन पसंद आता है? और इस बार जहाँ तक लग रहा है ना कि Redmi का जो Note 8 Pro आएगा वो बेसिकली काफ़ी अच्छा बैलेंस स्मार्टफोन होगा, क्योंकि Redmi का जो Note 7 Pro था काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन था वो भी, लेकिन वहाँ पर ना Xiaomi फास्ट चार्जर मतलब क्विक चार्ज 4 का सपोर्ट दिया था, लेकिन आपको इनबॉक्स 10 वाट का स्टैंडर्ड चार्जर मिल रहा था। लेकिन यहाँ पर अभी आपको 18 वाट या फिर 27 वाट का चार्जर मिल सकता है इनबॉक्स जो कि सीधे सीधे टक्कर देगा Realme को। तो मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा डील होगा और देखते हैं कि Realme का भी 5 और 5 Pro आने वाला है, उनको ये स्मार्टफोन कितना टक्कर देता है। जो भी होता है सबसे पहले आपको हमारे चैनल में अपडेट मिल जाएगा, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।